Love me thoda, love me thoda. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Yes, then जैसे कि आप खूब ही जानते हैं, हम हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में उपस्थित हैं और आज आप देख रहे हैं मेला राम निगडिया। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर सड़क पास कर रहे हैं तो आप न्यूज से अपडेट नहीं है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं 26 जनवरी की किसान आंदोलन में जो हुआ उसके बाद, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ कल पास कर रहे हैं तो आप न्यूज से अपडेट नहीं रहते। यहाँ पर आप न्यूज से भी अपडेट रह सकते हैं। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, हम हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में उपस्थित है और आज हम आपको दिखा रहे हैं पैंटून पुल का व्यू। और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम ये हमारे मेला राम नगरिया में ये फर्स्ट टाइम हुआ है ये ब्रिज ऑर्गेनाइज। सो आइए देखते हैं कैसा है ये। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नहीं का कैसा लग रहा है यहाँ पर, अजीब सा एक्सपीरियंस है इस पुल पे चलने का। इट्स माय फर्स्ट टाइम, सो मतलब थोड़ा सा डर भी है, ये क्या है मतलब। लेकिन सो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले आज झूले की तरफ कि क्या हो रहा है और झूलों में कितनी कितनी प्रोग्रेस हुई है। चलिए रामनगरी के सबसे फेमस जो चीज़ होती है, बहुत लोग इसे पसंद करते हैं, आलू। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देख रहे हैं आप फर्रुखाबाद में हम लोगों को स्ट्रीट फूड की जो कमी दिख रही थी ना, वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। जी भर के आइए, जी भर के खाइएगा आप। क्या क्या है यहाँ, और शूटिंग तो करना भूलिएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या है इस बार मेला रामनगरिया में। बुढ़ी के बाद आप देख रहे हैं जैसे हम लोग हवा कह के बुलाते थे छोटे पे, यहाँ सो आप देख रहे हैं ये जो झूला। अरे ये भी नहीं, ड्रैगन वाला, ट्रेन वाली फीलिंग आती है। बाहर कुछ अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, किस तरीके से होनी चाहिए थी, भीड़ होनी चाहिए थी, वो नहीं है अभी। अभी अभी जस्ट बैठी है, कुछ ओपनिंग हुई है, बता दें ज़्यादा ज़्यादा भीड़ तो नहीं देखने को मिल रही है। कुछ चीज़ें भी आती हैं जो अभी पूरी तरह से पूरी कंप्लीट तरह से लग नहीं पाई है, बट फिर भी काफ़ी मज़ा आने लगा है। आ जाइए फ्रेंड्स, ये देखिए जादू। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि अभी पूरी तरह से मेला वो तैयार नहीं हुआ है, बट थोड़े टाइम बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं झूला और यहाँ से ऊपर से मेला रामनगरिया का व्यू जो कि काफ़ी अच्छा है। लुक एट दैट एंड एंजॉय। अभी उस हिसाब से तो भीड़ नहीं हुई है जैसी होती है मेला रामनगरिया में, बिकॉज अभी स्टार्ट हुआ है इसलिए कुछ चीज़ें अधूरी भी हैं, अभी पूरी तरह से पूरी भी नहीं है। लाइक ये झूला आप देख सकते हैं, ब्रेक डांस पिछली बार की तरह इस बार भी झूले वाला पार्ट दो तरफ लगा है, लाइक एक ये तरफ और एक वो तरफ, तो दो तरफ दोनों तरफ झूले लगे हैं। तो यहाँ आप भीड़ होने के बाद भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। एक ये तरफ झूला लगा है, एक वो तरफ झूला लगा है यहाँ, तो आपको ज़्यादा झूलों की वेट नहीं करना पड़ेगा। चलो अभी भीड़ भी नहीं है बिल्कुल भी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। आलू के बाद जो सेकंड चॉइस हमारी मेला रामनगरिया में होती है वो होती है सॉफ्ट टी, तो उसकी भी सॉफ्ट लग चुकी हैं। आप आइए खाइए और मजे लीजिए मेले का। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एयर्स बैंड।
कोरोना पैंडेमिक के चलते आपके बिक्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? अभी तो बस शुरुआत है मेले की बस। तो क्या लगता है लोगों की आलू के प्रति दिलचस्पी उतनी ही है या कुछ कम हुई है? पता नहीं, फर्स्ट टाइम आलू लगाए, मैंने भी आलू देखते ही आलू लगाए। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस बैंक। कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपकी बिक्री पे क्या इफेक्ट पड़ा है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है प्रशासनिक द्वार, और हर बार की तरह इस बार भी हमारा प्रशासन पीछे नहीं है मेले की व्यवस्था को संभालने और मेले की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने में। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो यहीं आइए और संपर्क कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, प्रशासन की व्यवस्था देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कैंप जहां से मेले की सारी व्यवस्था ऑपरेट की जाती है। यहां पर जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी एंड पुलिस अधीक्षक। तो कोविड पैंडेमिक के द्वारा यहाँ पर एक छोटा सा स्लोगन भी दिया गया है, दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी। आप भी मेले में आते वक्त ये जरूर ही याद रखें। और चलते हैं मेले की तरफ। जो हर बार मेला रामनगर में देखने को मिलता है खजला, आई हैव टेस्ट नहीं किया है मैंने, बट आई थिंक अच्छा ही होगा अगर मेला रामनगर में लगा है तो। वैसे यहाँ अगर आप आइए तो यहाँ की जलेबियाँ जरूर खाइए, वो ज़्यादा फेमस है, कलरफुल, अच्छा लगेगा आपको खा के। आप देख सकते हैं संजात के बाद COVID-19 की जो स्लोगन दिया गया था आप लोगों को, दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ दिख रही है, जैसा कि आप कैमरा का देख सकते हैं यहाँ पर, और महिला प्रशासन भी दिख रही है यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ बहुत ही अच्छी है हर बार की तरह। आइए और मेले के आनंद उठाइए। अभी उतनी पूरी तरह से मेला नहीं लगा है, लेकिन फिर भी काफ़ी लग गया है। प्रशासन व्यवस्था मज़े भी करता है मेले के, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर ही नहीं लेते हैं, मज़े भी करते हैं मेले के। देखिए यहाँ पे आप साड़ियाँ देख सकते हैं, 60 रुपये की सेल, ओह ये बात है। तो आइए, और ये देखिए यहाँ पर हम इधर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ, जय श्री राम टाइप्स। आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्वेटर, जैकेट, स्टॉल्स, सब कुछ मिल जाएगी आपको। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मिरर भी है, तो आइए अगर आपको लगे कि आपकी सूरत बिगड़ गई है यहाँ आके, तो आप देख सकते हैं शीशे में। सो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस बैंक। कोरोना पैंडेमिक के थ्रू आपको कैसा लग रहा है? आपकी बिक्री पे क्या इफेक्ट पड़ा है? कोरोना काल के दौरान आपकी बिक्री पर क्या इफेक्ट पड़ा है? हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने वो लकड़ी वाली शॉप ढूंढ ली है जहाँ पे सारा सामान लकड़ी का मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारे का आनंद लेते हुए कुछ लोग। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, एंड कमेंट भी ज़रूर बताइए क्या कमी रह गई थी वीडियो में और क्या और आपको देखना है। थोड़ा कम मेला लगा है, बट अगली बार जब लग जाएगा तो वीडियो का वेट कीजिए, अगली बार भी वीडियो आएगी, ठीक है। और स्पेशली मैंने इस मेले में पूरा नहीं कभी घूमे हैं तो पूरा एक्सपीरियंस लिया है, तो उसमें सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है। गर्ल्स के लिए काफ़ी कामगार है ये एक्सपीरियंस, कि अगर आप मेले में आइए तो बाल बांध के आइए, क्योंकि काफ़ी डस्टी हो जाते हैं यहाँ के। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी।